मल्टी स्पान कंपनी का क्रायो सीरीज का एक जबरदस्त कंट्रोलर है जो आप देख सकते हो, अभी नया लॉन्च किया है पूरा वाइट बॉडी में। ये पहली बार इंडिया में ऐसा लॉन्च हुआ है जिसके अंदर पूरा बॉडी वाइट है और डिजिट भी बहुत ही बढ़िया रेड है, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। ग्रीन लाइट जो आता है वो मतलब कंप्रेसर के लिए आता है, आप देख सकते हो इसके अंदर सेट पॉइंट आता है, इसके एंटर करने का प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए एक बटन आता है, अप एंड डाउन बटन आता है, मॉडल नंबर लिखा है CC510, सीरीज लिखा है क्रायो, डिजिट बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कंट्रोलर कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर यूज़ होता है कोल्ड रूम के अंदर होता है, BMC होता है, एजिंग वेदर होता है, वाटर चिलिंग के अंदर, वाटर चिलिंग प्लांट के अंदर होता है, कूलिंग सिस्टम में सब जगह पे कंट्रोल यूज हो सकता है। इसके अंदर सिंगल रिले आता है और 10 एम्पियर का रिले है। 10 एम्पियर का रिले देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये रिले सब जगह इनफ है, बाकी तो सिस्टम के अंदर सब लोग कॉन्टेक्ट एंड ओवर लोड लगाते हैं तो कंट्रोल के वो लोड नहीं आते। इसमें देख सकते हो आपने क्रायो करके लिखा हुआ है, उसका मॉडल नंबर है CC510B101R, 230 वॉट, 230 वॉट से चलने वाला कंट्रोलर है। इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर लेफ्ट साइड में जो दो पोल दिया है, आप देख एक और दो, ये दो सेंसर के वायर है, इसको कोई भी जगह पर डाल सकते हो, सीधा यहाँ पर चालू करोगे तो टेम्परेचर दिखेगा। उसके पास में दो और उसके अंदर पोर्ट दिया है जिसके अंदर L और N लिखा है, मतलब 230 वॉट आप इसके अंदर दोगे तो कंट्रोलर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में 3 पोर्ट दिया है, इसमें सबसे मेन जरूरी इसमें 2 पोर्ट यूज़ करना है कॉमन। कॉमन के अंदर आपका फेज इसके अंदर जाएगा, फेज जाने के बाद में आपका NO से बाहर निकलेगा, तो ये ऑपरेटिंग हो गया, सिस्टम का ऑपरेटिंग कमांड वायरिंग हो गया। तो कॉमन में फेज जाएगा और NO से आपका फेज बाहर आएगा, तो इसका वायरिंग बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 6 वायर लगाओगे कंट्रोल चालू हो जाएगा। कोई भी कंट्रोल आपके पास में पड़ा हो, सब जीरो का हो, डिक्सल का हो, उसको निकाल के आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। और मेन चीज़ है इसके अंदर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया में बना हुआ 100% स्वदेशी कंट्रोलर है। इसके अंदर आपको साथ में इसका ब्रैकेट भी आता है साइड में फिक्सिंग करने का, दोनों साइड में ब्रैकेट के साथ में फिक्स होता है, सेंसर भी कंपनी साथ में लगा के दे रही है। और इसमें आपको कंप्रेसर का इंडिकेशन अलग ही दिख रहा है, ग्रीन कलर का बोर्ड हाईलाइट हो रहा है, मतलब अच्छी बात है। साथ में आपको इसके अंदर मैनुअल भी मिल जाता है, इसको कौन से प्रोग्राम को कैसे सेट करना है मैनुअल भी पूरा कंपनी देती है, आप देख सकते हो पूरा उसके अंदर पूरा साइज़ वगैरह लिखा है, उसका फंक्शन पूरा लिखा हुआ है। और साथ में इसके ऊपर बॉक्स में पैकिंग करके भी आता है, बॉक्स भी आप देख सकते हो, इसके अंदर मॉडल नंबर भी लिखा है, उसका एड्रेस भी लिखा है, और ये ट्रायल करके लिखा है, पूरा कम्प्लीटली आता है, कम्प्लीट रेंज के साथ में बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोलर है, लगाना बहुत इजी है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, और सेंसिंग जो है टेम्परेचर सेंस करने का वो भी बहुत ही बढ़िया सा सेंस होता है। थैंक यू।